अंडरस्टैंड योर बेसिक नेचर, अपने बेसिक नेचर को पहचानो कि आपका बेसिक नेचर क्या है, एंड ट्राई टू ऑलवेज हैप्पी। आपका बेसिक नेचर क्या है ये आपको पहचानना होगा कि आपका बेस क्या है, आपकी परवरिश क्या है, आप कैसे सोचते हो, कहाँ तक आपकी थिंकिंग है। अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से डिफाइन करो, डिकोड करो कि मैं हूँ तो हूँ कौन, ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं और अपने आप पे कभी चर्चा नहीं करते। अपने आप को डिकोड करो कि हमें खुशी कहाँ से मिलती है, गम कहाँ से मिलता है, नफरत कहाँ से मिलती है, जलन कहाँ से मिलती है, ईगो कहाँ से होता है, लालच कहाँ से आता है, घमंड कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें आपको डिकोड करना होगा। और जब आप डिकोड कर लोगे तो आप यकीन मानो अपनी उस भावना को, जो भावना आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, सिर्फ उस भावना को पकड़ो और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, गुस्सा क्रोध सब चीज़ एक तरफ। गुस्सा करके क्या कर लोगे आप? सभी लोग गुस्सा है मार्केट में, क्या कर ले रहे हैं? अगर आप सही जगह पे अपना गुस्सा लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप सही जगह पे अपनी नफरत लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप सही जगह पे अपनी लालच लगाओगे। कोई भी आदमी अछूता नहीं है, एक भी आदमी खड़ा होकर बोल दे मेरे अंदर लालच नहीं है, है मेरे पास भी है, आपके पास भी है, शिवखेड़ा के पास भी है, मोदी के पास भी है, विवेकानंद के पास भी था, और किसके पास था, जिसको आप जानते हो सबके पास था, स्वयं खुदा के पास भी है, क्योंकि हम लोग उसी के तो बंदे हैं। नहीं, अगर उनको क्रोध ना होता तो दुनिया कितनी बार तबाह ना हो चुकी होती, क्रोध था इसलिए दुनिया तबाह हुई, अभी भी उनका क्रोध बन रहा है, फिर एक बार दुनिया तबाह होगी, है कि नहीं? चाहे आप गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, हर जगह लिखा हुआ है क्यामत का दिन आने वाला है। तो आप यकीन मानो उसी परम पिता के हम लोग संतान हैं, तो हमारे पास वो क्रोध डिकोड हमारे जेनेटिक कोड में वो भरा हुआ है। आप जिस दिन वो चीज़ें आएंगी आप खल्लास हो जाओगे। उससे पहले अपनी भावना को पहचानो और अपने आप को पहचान के हमारी मंजिल क्या है, हमारा रास्ता कहाँ है, उस काम पे अपने आप को लगा दो। अपनी ज़िंदगी व्यर्थ मत करो, ज़िंदगी कटनी ही कटनी है, आप चाहो तो भी कटेगी, नहीं चाहो तो भी कटेगी, नेचर का नियम है। अगर आपने मिट्टी को यूं ही छोड़ दिया उसमें कुछ ना कुछ उगेगा ही उगेगा। अगर आपने कुछ नहीं बोया तो क्या उगेगा? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो घास फूस बन जाओगे। तो उससे बढ़िया है कि घास फूस बनने से पहले, साधारण मौत मरने से पहले, दारागंज जाने से पहले, चकिया कब्रिस्तान जाने से पहले, आप कुछ ज़िंदगी में ऐसा कर जाओ, आपको एक दिन वो गुस्सा आ जाए मेरी बात पे कि आप खड़े होकर मेरे सामने बोल दो यस मिस्टर सोनी मैं ये काम करूँगा। और जिस दिन ये दिल से आवाज़ आ गई उस दिन फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, फिर आप इतना आगे बढ़ोगे फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा।